देखिए, हमारा जन्म ही आशीर्वाद और दुआएं देने के लिए हुआ है, और ये तो हमारी बच्ची हैं, और ये हमारी बच्ची हैं, और ये आने वाले न्यू जनरेशन जो वो पीढ़ी है कि आगे जाएं, बच्चे तरक्की करें, नाम कमाएं और अपने वंश का नाम रोशन करें, यही हमारी आशीर्वाद और दुआएं रहेंगी। इंटायर फैमिली तो इनकी इतनी अच्छी इंटायर फैमिली है, मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत ही सेवा भाव और धार्मिक हैं, तो उनके लिए भी हमारे तरफ से यही आशीर्वाद और दुआएं हैं कि वो हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और जीवन में जितना हो सके तरक्की करें और आगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है इसके ऊपर, और भागवत कथा हमने की, इसका रिस्पांस काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मिला है, और इससे पहले भी हमने कथा की है बोरीवली में, इन्हीं नवरात्रों के दौरान लास्ट ईयर में हमने कथा की थी, बोरीवली वेस्ट भाजी मार्केट में ही कथा की थी, और वहाँ पे करीबन 300 पब्लिक थी जिन्होंने इनको सराहा, और उनको अच्छा लगा कि एक किन्नर जो भागवत के शब्द कहती है वो कभी किसी ने सुना नहीं था ना देखा था। सबको पता है किन्नर अपना जीवन व्यापन करने के लिए सड़कों पे भीख मांगते हैं, आइदर नाच गा के पैसा कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं, क्योंकि उस वक़्त सरकार ने किन्नरों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा, तो किन्नर कहाँ से अपना जीवन व्यापन करेंगे। और इन शास्त्रों का अध्ययन के लिए भी कोई किन्नर को आश्रम में नहीं रखता है। आपको सबको पता होगा इस बारे में, किन्नर को आश्रम में अगर रहना है और कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे अपने आप के अपने ओरिएंटेशन को दबाना पड़ता है, जब आश्रम में रहना है तो तब जाके आपको कुछ हासिल होता है। तो वही चीज़ हमने भी हासिल की, हमने भी वृंदावन में शास्त्रों के अध्ययन के लिए अपने आप को अपने ओरिएंटेशन को छुपाया है, और ऐसा नहीं है कि हमें भी अपना जीवन व्यापन करने के लिए, इससे पहले हम फिल्म इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर चुके हैं, हमने कई मूवीज़ भी की हैं, और मेरे खुद फादर भी एज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, राज कपूर जी के साथ उन्होंने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, उनका नाम है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं। तो उनके एक्सपायर्ड होने के बाद मेरे माता पिता के, तो हमें भी अपना जीवन व्यापन करना है, उस वक्त तो कोई किसी को, आज आप जानते हैं कौन किसको एक रुपया दे देता है, कोई किसी को नहीं पूछता है जी, तो हमें अपने जीवन शैली को चलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करते करते हमने वृंदावन जैसी ब्रज भूमि में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया है, और उसके पूरे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास कि हमने शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद, अब ये 1.5 साल से हम प्रचार प्रसार में लग गए। हमने सोचा हमारा जीवन आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ी को एक दिशा, एक सही रास्ता दिखाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब किस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, 40, 50, 60 साल की उम्र है, कब तक हम अपने जीवन को चलाने के लिए ये वो कार्य करेंगे। कुछ अच्छा कार्य जीवन में करने के लिए किन्नर अगर उठता है तो उसके पीछे भी 50 सवाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे कई 50 सवाल खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो माताजी हैं भाई, इन्होंने तो फिल्मों में भी काम किया है, ये क्या, आप ये सवाल तो उठा लेते हो, मगर आपको पता है वही किन्नर आज शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद व्यास आचार्य भागवत की पदवी दी हमको, किसने, धर्माचार्यों ने दी है। क्यों धर्माचार्यों ने दी ये पदवी? धर्माचार्यों ने इसलिए दिए, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है, जो इंसान, जो आत्मा, जो जीव धर्म के रास्ते पे चलेगा, धर्म का प्रचार करेगा, हम धर्माचार्यों का कर्तव्य बनता है कि उनको सपोर्ट करना, उनको आगे देना और उनका मान सम्मान आदर करना, ये धर्माचार्यों का कर्तव्य बनता है। ये संत समाज, ब्रजभूमि वृंदावन के संत समाज ने कहा है, संतों ने कहा है, इसका प्रमाण आपको YouTube में भी मिल जाएगा। आर्टिकल 377 यस की बात
मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि 377 धारा को मतलब उन्होंने मान्य दिया है, और जो इंसान अपने जीवन में जीना चाहता है जिस तरह से, उनको पूरी तरह से आज़ादी मिल गई है कि वो अपना जीवन जी सकते हैं। बट जीवन जीने की कला जो सिखाता है वो शास्त्र सिखाता है। शास्त्रों में हर एक जीव का वर्णन है, स्त्री का भी वर्णन है तो पुरुष का भी वर्णन है, तो किन्नर का भी वर्णन है। किन्नर का मतलब क्या है? किन्नर शब्द एक कहते हैं ना उसको, किन्नर शब्द जो है किन और नर का मीनिंग क्या है? किन्नर का मतलब है कि किन मतलब ऊपर का धड़ किन का है तो नीचे का धड़ नर का होता है, इसीलिए उसे किन्नर कहा गया है। शास्त्रों में आप देखिए प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए कौन आए थे? नरसिंह आए थे। नरसिंह क्यों नाम पड़ा भगवान का? क्योंकि उनका आधा धड़ नर का था तो ऊपर का धड़ सिंह का था। ऐसे ही किन्नरों का भी वर्णन बनाया। आप देखिए अर्जुन को भी किन्नर का जीवन भोगना पड़ा था, अज्ञातवास अपना ब्रह्मल्ला के नाम से उनको भोगना पड़ा था, बसरते वो तो पुरुष थे, पुरुष होते हुए भी उनको किन्नर जीवन क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि उनको श्रापित जीवन। तो ये किन्नर का जीवन जो होता है इसको कहीं ना कहीं श्राप मिला हुआ होता है, तब जाके ये जीवन भोगना पड़ता है। बट अगर ये किन्नर का जीवन सही रास्ते पे अगर ये किन्नर लगाए, शास्त्रों का अध्ययन करके समाज को और आने वाली नई पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाए तो वो बहुत अच्छा। राधे राधे, जय श्री महाकाल। परी रियल परी है, बहुत प्यारी बच्ची है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। उसके लिए कोई पॉलिटिकल विश नहीं करूँगा, मैं एक फैमिली मेंबर के हिसाब से दो लाइन में एक गीत के दो लाइन गाना चाहूँगा, उसको उस तरीके से विश करना चाहूँगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईश्वर से यही प्रार्थना है वो बहुत खुश रहे, अच्छे से पढ़े लिखे, और मीरा भेंडर के लिए हमारे शहर का नाम देश विदेश हर जगह करे। परी को ये मेरा आशीर्वाद है। परी बेटा को एकदम हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है, वो जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 10,000। नहीं नहीं, 50,000 जो कहते हैं ना वो एक डायलॉग होता है, जो ओरिजिनली होना चाहिए वो 10,000 है। ईश्वर उसकी उम्र बहुत लंबी करे। पहले तो मैं अपनी जो मेरी बांधी है परी उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और उनके फादर अंकुश अग्रवाल जी एक बहुत बढ़िया कार्य किया उन्होंने की अपनी बच्ची का बर्थडे मना रहे बहुत धूमधाम। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि लड़कियों का बर्थडे या बच्चियों का बर्थडे ऐसे ही बनाएं, क्योंकि बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं, और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अंकुश अग्रवाल जी उनकी राह पर चल रहे हैं। मैं सबको बोलूँगा कि जो बच्चियाँ हैं उनको आप आगे लाइए, और लड़कियाँ भी आगे तो हैं ही, लड़कियों बच्चियों का आप ज़्यादा आगे लाइए, क्योंकि हमारे देश में भी जो चल रहा है उसको सुधार की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, एक हर आदमी पहले बच्ची का अपने बर्थडे बनाए, बच्चे तो हमारे साथ ही रहेंगे, लड़के तो हमारे साथ ही रहेंगे, आगे लड़कियाँ जब अपने सुधार जाती पता नहीं उनको जीवन कैसे मिलता कैसे नहीं, जब तक हमारे पास लड़कियाँ तब तक उन्हें खुश रखें, उनको खूब सारा प्यार दें। मेरी बेटी के लिए इतना एंजॉयमेंट रखा है, जो फुल नाइट का प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है, बच्चे के साथ बड़े भी, आप थोड़ी देर में देखना यहाँ बड़े हैं वो भी बच्चे बन जाएंगे इस प्रोग्राम में, खाली मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है उसके लिए। थैंक यू। परी जो है बिल्कुल परी की तरह, आपने देखा 1.5-2 साल की बच्ची है, कितनी साल? 3 साल से, मगर इतनी प्यारी बच्ची है वो, और उसको दुनिया की बुरी नज़रों से जो है भगवान बचाए,
और उसे लंबी आयुष्य की हम प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से वो खुशहाल रहें और परी की तरह इस परिवार के अंदर सदा खुशियों का वातावरण बना। धन्यवाद। परी के अलावा इंटायर फैमिली को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने पैदा किया परी बच्चे को? अब जिनके घर में परी हो तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा परिवार जो है इसी तरह से खुशहाल अपने आप रहेगा। और क्या क्या तोहफा होगा आपकी तरफ से विशेष परी को? शुभेच्छा आशीर्वाद। बस परी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनके उसके जन्मदिन के अवसर पर, और अग्रवाल फैमिली की खुशियों में भी हम आज साथ में हैं। और बस यही प्रार्थना करूंगी गणपति बप्पा से कि सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। देखिए हमारा काम है कार्य करना, मुझे लगता है समीक्षा करना तो जनता का काम है, तो कैसा चल रहा है इसकी प्रतिक्रिया जनता देगी। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छी से अच्छी सारी सुविधाएं लोगों को पहुंचा सकें, और गणेशोत्सव के दौरान भी गणपति बप्पा को आने और जाने में तकलीफ ना हो इसलिए रोड पर मरम्मत का भी काम हुआ और पैचवर्क हुआ, और हर जगह पे जहां विसर्जन हो रहा है वहां बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा करवाई गई है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।